नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो ऐसे समुद्रों के बारे में जो मिलकर भी नहीं मिलते। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शुमार है अलास्का की खाड़ी। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ दो समुद्रों का पानी जब टकराता है तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा बनता है। इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि क्या वजह है कि इन दोनों समुद्रों का पानी कभी नहीं मिलता, क्योंकि इस नज़ारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी के बीचों बीच किसी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी हो, जिन्हें दोनों समुद्रों में से कोई भी लांघने की कोशिश नहीं करता। यह नज़ारा जो कोई देखता है वह दंग रह जाता है। जब आप इसकी असली वजह जानेंगे तो और अधिक हैरानी होगी। दरअसल अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आकर मिलते हैं, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि इन दोनों के मिलन का यह नज़ारा दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि इन दो महासागरों का पानी आपस में घुलता मिलता नहीं बल्कि बिल्कुल अलग अलग रंगों का नजर आता है। दरअसल अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आकर मिलते हैं। इन दोनों समुद्रों की सबसे निराली बात यह है कि दोनों कभी भी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करते। इसका अंदाज़ा आप उनके पानी के अलग अलग रंगों से भी लगा सकते हैं। दरअसल ये ग्लेशियर से आने वाला मटमैला हल्का नीला पानी है तो दूसरा गहरा नीला पानी। इन दोनों के मिलन की दीवार भी साफ नजर आती है। असल में दोनों समुद्रों का पानी एक दूसरे से अलग होने की खास वजह है। अनेक रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का घनत्व और उसमें मौजूद लवण और तापमान के अलग अलग होने की वजह से दोनों समुद्रों का पानी आपस में मिल नहीं पाता। प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से आने की वजह से हल्का नीला और नमकीन होता है, जबकि हिंद महासागर का पानी काफ़ी खारा है। इन दोनों महासागरों का पानी ऊपरी सतह पर अलग अलग घनत्व होने के कारण मिल नहीं पाता और ये पानी जब आपस में टकराता है तो झाग पैदा होता है। ये झाग पानी की ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आता है। सूरज की रोशनी में खारे पानी के और मीठे पानी के अलग अलग घनत्व के कारण दोनों पानी का रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कहा जाता है कि हल्के घनत्व वाला पानी ऊपर तैरता है और खारा पानी नीचे चला जाता है, यानी मटमैला पानी नीले पानी पर तैरता रहता है। ये नज़ारा वाकई में चौंकाने वाला है। दुनिया में तमाम लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़कर देखते हैं, मगर वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की ऊपरी सतह पर अलग अलग घनत्व वाले पानी के टकराने से पैदा होने वाली दीवार दोनों महासागरों की अलग होने का अनोखा नज़ारा पेश करती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।